हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का नया पाठ जो है गीत यहाँ खुशहाली के। ये एक बहुत सुंदर सी कविता है जिसको हम पहले इसको पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ जानेंगे। गीत यहाँ खुशहाली के मतलब अपन जिस देश में रहते हैं, अपना जो देश है वहाँ के लोग कैसे क्या करते हैं और जब खुश होते हैं तो किस तरह से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कविता सुंदर सी मैं इसको गा के सुनाती हूँ आपको। युग युग के हम रहे उपासक, खेती और कुदाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। युग युग मतलब बहुत सालों से, कितने ही सालों से हम खेती और कुदाली के, जो काम करने में काम आती है किसान के, उसकी और किसान किसके काम करता है, बैल जोतकर ये हल जोतता है ना, उस हल की नोक पर गीत खुशहाली के लिखते हैं। मतलब ये सभी काम करके ही हम अपना जीवन, किसान जो है हम हैं, पुराने समय से अपना जीवन चलाते आ रहे हैं और आज भी ज़्यादातर काम किसान यही वाला कर रहे हैं। उपासक यानी भक्ति करने वाले, क्योंकि हल की भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। हल की भक्ति करेगा तभी तो अच्छी फसल होगी और अच्छी फसल होगी तो सबके चेहरों पर मुस्कान आएगी। तो इन सब के हम भक्ति करते हैं, इन सब चीज़ों की। घुंघरू वाले बेलों के जब मिट्टी महके पांव तले, बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले। घुंघरू वाले बेलों को जब खेत में किसान बेल के घुंघरू बांधता है और फिर उसको जोतता है तो उससे क्या होता है, खेती मिट्टी में खुशबू आती है। उसके जिस जिस जगह को वो जोतता है तो उस खेती में महक आ जाती है, खुशबू आ जाती है। और जब वो तेज धूप में किसान हल जोतता है तो उस पर बहुत पसीना भी आ जाता है। और या फिर तो वो धूप में काम करेगा, अगर बादल हो रहे होंगे तो बादलों की छाया में काम करेगा, क्योंकि काम तो उसको खेत में ही करना है। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। जब इंद्रधनुष देखा होगा आपने, इंद्रधनुष जो धनुष के जैसा आसमान में बनता है, और वो कब बनता है, जब बारिश का समय होता है और बारिश होके रुक जाती है, तब जब सूरज की किरणें निकलती है और उन बादलों पे पड़ती है आकाश में, तो सुंदर सा इंद्रधनुष आसमान में बन जाता है। या फिर संध्या की लाली मतलब शाम के समय जब सूरज अस्त होता है तो वो कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के, तो हल की नोक पर हम गीत खुशहाली। तो जो किसान है या फिर अपने भारत देश की, जो भारत देश किसानों का देश है, और किसान किसकी नोक पर खुशहाली लिखते हैं, हल की नोक पर, क्योंकि अगर हल अच्छा चलेगा, खेती अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो सबके चेहरे खिल जाएंगे। किसानों के दम पे ही भारत जिंदा है। तो किसान जब तक काम नहीं करेगा, किसान की मेहनत रंग नहीं लाएगी, तो दूसरे लोग भी उससे कैसे फायदा उठा पाएंगे। इसके बाद पैराग्राफ है, कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा गहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुवे गीत सुनाती है। तो जब खेतों में और हरियाली में कोयल मोर पपीहे गाना गाते हैं, जब बादलों में काली घटा हो जाती है, मतलब काले बादल आ जाते हैं बारिश के समय में, तब मोर और पपीहे और कोयल सब गाना गाने लग जाते हैं और अपनी सुंदर आवाज़ में गीत सुनाने लग जाते हैं। देखो अब नेक्स्ट वाले में, ये लड़कियाँ झूला झूल रही है, मोर नाच रहे हैं। तो इस तरह का सुंदर दृश्य कहाँ होगा, खेतों में होगा और हरियाली में होगा।
वन बागों में झूले बंधते जब पेड़ों की डाली से, हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। वन बागों में झूले बनते कब बनते, झूला कब झूलते, राखी के समय में सब झूला झूलते हैं और पेड़ों की डालियों से झूला बना के फिर उसमें झूला झूलते हैं और हल की नोक पर लिखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है हल को उठाकर लिखना है, लेकिन जो भी कुछ अच्छा काम है वो किसके बल पर हो रहा है, किसान के बल पर हो रहा है। किसान किसके बल पर जीतता है, हल के बल पर। पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चुनर धानी खेतों में लहराती है। पर्वतों से नदी उतरती है, उछलती यानी ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नदियां निकलती है और फिर समतल जगह पर आ जाती है और वो नदियां फिर जहां पानी कम होता है वहां पे भी पहुंच जाती है, तो लोगों के आराम से पानी मिल जाता है और खेती आराम से हो जाती है। और खेती अच्छी होगी तो सब जगह हरियाली हो जाएगी। मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। मोती जैसे दाने हंसते, मतलब जब अच्छा पानी मिलेगा तो अच्छी फसल होगी, तो गेहूं के दाने गेहूं की बालियाँ कैसी लगेगी, जैसे हंस रही हो। और हल्की नोक पर हम यहाँ गीत खुशहाली के लिखते हैं, मतलब सब काम खेती से होता है। अब तो इसमें हल चलाने के लिए भी ट्रैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें और भी आ गई है, लेकिन जो पारंपरिक जो कृषि है, जो पुराने समय की खेती है, वो हल से ही करी जाती थी। उत्पादन की अलख जगाती फसलें सभी जवानों में, चौपालों पर झांझ मजीरे बजते नए तरानों में। और जब खेती अच्छी हो जाती है, फसल अच्छी हो जाती है, तो उत्पादन यानी जितना अच्छा उसका अच्छी फसल होगी उतना अच्छे पैसे आएंगे, तो फिर वो लोग नाच गान करते हैं, झांज मजीरे बजाते हैं और फिर गांव में जगह जगह चौपाल यानी गांव में जगह जगह चौपालों पर बैठकर लोग इसका आनंद लेते हैं। गली गली में उत्सव मनते होली और दिवाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। गली गली में उत्सव कब मनाते हैं, जब होली होती है तो एक दूसरे को रंग लगाने के लिए गलियों में दौड़ते हैं, दीपावली पर पटाखे छोड़ने के लिए बच्चे इधर उधर घूमते फिरते हैं, तो गली गली में उत्सव मनाते हैं। और खुशी के उत्सव कब मनाएंगे, जब किसान खुश होगा। हल की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के, और हल की नोक पर हम यहाँ खुशहाली लिखते हैं, मतलब खुश होते हैं। अब इसके शब्द अर्थ देखिए। उपासक, उपासक यानी क्या होता है, भक्ति करने वाला, ठीक है। गहराना, गहराना यानी घुमड़ घुमड़ कर आना। चौपाल यानी बैठक। खुशहाली यानी सुख समृद्धि का समय। और अलख जगाना यानी जोश पैदा करना। तराना यानी गीत की लय। घटा यानी बादल। कोकिला कंठी यानी कोकिल जैसे मधुर कंठ वाली। कंठ क्या होता है, गला। मधुर जिसकी आवाज हो उसके लिए बोला गया है। तो ये भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है शब्द अर्थ को और याद करना है, फिर इसको उच्चारण कीजिए। ये कुछ शब्द हैं, कुदाली, गेती, मिट्टी, छांव, संध्या, कंठी, बहुए, हंसते, गेहूं, मैदानों, चौपालों, जगाती और तरानों, ठीक है। इसके बाद नीचे क्वेश्चन देखिए आप। युग युग के हम किसके उपासक रहे हैं, गेती और कुदाली के उपासक रहे हैं हम, खेती और कुदाली के। आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं, आसमान में इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं और सूर्य की लालिमा दिखती है। और भी आसमान में क्या दिखता है, आसमान में और भी क्या दिखते हैं, तो तारे भी दिखते हैं, चांद भी दिखता है, तो आप सब लिख सकते हो। कौन कौन से उत्सव हम मनाते हैं, तो आप कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं वो लिखने हैं। होली है, दीपावली है, ईद है, दशहरा है, राखी है, ये सब हम मनाते हैं।
इसके बाद रिक्त स्थान देखिए, नेक्स्ट पेज पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इंद्र पहला है मिट्टी महके पांव तले, किसके मिट्टी महके, क्या आएगा इसमें महके, दर्शन होते इंद्रधनुष के, ठीक है। पर्वत पर से नदी उछलती, मोती जैसे दाने हंसते, इस तरह से आपको ये भरना है। इसके बाद प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष के दर्शन कब होते, ये मैंने ब्लैक बोर्ड पे किए हुए हैं, तो आप देखिए इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं। इंद्रधनुष के दर्शन जब बारिश की ऋतु में जब सूर्य की किरणें बादलों से टकराती है और आसमान में रंग बिरंगी आकृति दिखाई देती है, यही इंद्रधनुष कहलाता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किसान का पसीना कब बहता है, तेज धूप में जब किसान खेत में काम करते हैं तो किसान के पसीना बहता है। काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाने लगते हैं, तो कोयल गाती है, मोर गाते हैं और पपीहा गाते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, नदी कहाँ से बहकर आती है और इसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो नदी पर्वतों से बहकर आती है और इससे मैदानों पर खेती अच्छी होती है क्योंकि उन्हें पानी मिल जाएगा। गली गली में उत्सव कब मनाते हैं, होली और दीपावली पर हम गली गली में उत्सव मनाते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में करने हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए, बहुवचन रूपों को एक वचन, बहुवचन यानी बहुत सारे और एक वचन यानी एक, यानी बहुत सारों को अपन को एक बनाना है। जैसे चौपालों, चौपाल बहुत सारे हैं तो एक चौपाल को अपन चौपाल लिखेंगे, वैसे ही पेड़ों, बहुत सारे पेड़ हो गए तो एक पेड़ को क्या लिखेंगे, पेड़। बेलों तो बेल, गीतों गीत, स्वरों स्वर, मैदानों मैदान। तो इस तरह से बहुवचन का एक वचन बनाना आपको सीखना है, और भी बहुवचन आपको लिखने हैं, जैसे लड़के तो फिर एक वचन क्या हो जाएगा, लड़का। इसी तरह से और आपको सोच के 10 बहुवचन और एक वचन और लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा पार्ट। थैंक यू।